अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज आपको मैं अब गुजरात के तीसरे पार्क का आपको विजिट करवाता हूँ, चिल्ड्रन पार्क, लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क। ये चिल्ड्रन पार्क जो है ना, ये नवाज शरीफ पार्क से भी काफ़ी पुराना है, ये बहुत पुराना पार्क है। तो आप अभी आप देखिए कि मैं आपको विजिट करवाता हूँ, कैसा लगेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एंट्रेंस है इसकी पार्क की ना, ये है लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क, ठीक है। ये इसकी ये साइड है, ये एंट्रेंस है इसकी। ये जो है ना, ये जो आपको मैंने दिखाया था ना, शहबाज शरीफ पार्क और नवाज शरीफ पार्क से भी पहले का ये पार्क है। ये बहुत पुराना पार्क है, बस हालत थोड़ी सी ख़राब है, पर अभी भी माशाल्लाह सही खूबसूरत है, सही सेटिंग है इसकी। देखें ये इस तरफ, यहाँ पर सिटिंग एरिया है सारा, इधर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाल के नीचे बैठ जाते हैं। तो ये सारा, ये भी सारा ग्राउंड खाली है, ठीक है। ये सारा, ये छोटा सा पार्क है पर है सही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये भी यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है छोटा सा, ये मेरे ख्याल से दिन टाइम चलता है। ये फाउंटेन है, ये पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया हुआ है पार्क में। और इस तरफ ये भी बेंच वगैरह रखे हुए हैं सारे कुछ। वैसे शाम टाइम यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। ये इसका ट्रैक है, वैसे यहाँ भी जो लोग हैं ना जॉगिंग वगैरह करते हैं आगे, ये ट्रैक बना हुआ है पूरा ऐसे गोल, तो यहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं। ये बीच में ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे है ग्रीनरी काफ़ी है, ये सारा खुला एरिया सारा ये, ठीक है। यहाँ पर बेंचेज वगैरह हैं, जैसे भाई आराम कर रहे हैं बैठे हुए, रेस्ट कर रहे हैं। ये सारा, ये सामने कोई ऑफिस है शायद मेरे ख्याल से। ये झूले लगे हुए हैं थोड़े से, जो बच्चे झूले झूल रहे हैं, ये छोटे थोड़े से झूले लगे हुए हैं बस। पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले होते थे, जब ये पहले जिस टाइम ये जब नया नया था ना, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा झूले होते थे इस जगह पे, हर तरह के झूले, वो कश्ती वाला झूला, हर झूले इधर होते थे, बहुत ज़्यादा झूले, ये सारा एरिया झूलों से भरा होता था ये सारा। तो बस अब खाली है अभी, ये लोगों की सिटिंग वगैरह, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह, ईद वगैरह हो गई, तो कोई भी अगर फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे तब रश होता है लोगों का। ये सारा एरिया अब खाली है, पर ये है खूबसूरत है माशाल्लाह। जो भी है फिर भी लोगों के बैठने के लिए लोग आते हैं शाम टाइम, इधर बैठते हैं, पिकनिक वगैरह करते हैं जब मौसम अच्छा होता है। अच्छा ये जो है ना, ये पीछे का एरिया सारा, ठीक है, ये आपको भी मैंने दिखाया वीडियो में। बस ये है यार, ये पार्क वैसे जो है ना,
बहुत पुराना है, इसलिए गहरी बात है हर एक चीज़ का अपना उसका रोज होता है। पर ये अभी भी लोग हैं इधर आके बैठते हैं, ठीक है, शाम टाइम अपनी घर से चादरें वगैरह ले आते हैं पिकनिक, और दिन में बच्चे इधर आके क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, यहाँ ये जो बेंचेस वगैरह लगे हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया जो है वहाँ पे वो बैठते हैं। ये शाम टाइम जब मौसम अच्छा होता है तो लोग इधर आके बैठते हैं। ये है जी इसका बीच का खुला एरिया सारा, ये मेरे पीछे जो भी सारा ही है, साइडों पे कुछ प्लांटिंग्स वगैरह हुई हुई है, साइडों में प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यही ये छोटा है पर ये सही है, ये है शहर के बीच में, ये शहर के बीच में बिल्कुल सामने इसकी अपोजिट साइड पर सब दुकानें हैं, मोबाइल मार्केट जो आपको भी मैंने दिखाई थी सामने सारी मोबाइल मार्केट वगैरह। तो ये जो है ये शहर के बीच में, इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ से करीब से भी लोग आके इधर ना इधर बैठ जाते हैं वगैरह, सब इधर पिकनिक वगैरह सारा कुछ, ये इन्जॉयमेंट के लिए होते हैं ना, बैठने बैठ लोग शाम टाइम आके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, टेंशन को रिलीफ करने के लिए आगे इधर बैठ जाते हैं। मौसम अच्छा होता है, हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, तो इसलिए आके फिर लोग इधर बैठते हैं। थोड़ा ग्रीनरी भी है, ग्रीनरी नेचर देख के वैसे ही बंदे का दिल जो है ना माइंड फ्रेश हो जाता है। ये है गुलजारे मदीना चौक, क्योंकि इसका जो पहला नाम है ना, जो पुराना इसका नाम था वो रामतलाई चौक नाम था, अब इसका नाम हो गया है गुलजारे मदीना चौक जो इसका नया नाम है। तो ये थोड़ा रात का व्यू है, ये जीटी रोड है सारा, ठीक है, ये वो सामने कन्फ्यूशन वगैरह, ये शॉप्स वगैरह सारी ना इधर, एक ऐसे रोड का व्यू दिखाया आपको रात टाइम का। तो इधर देखिएगा लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे, ये जो सामने है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, और ये साथ में ये रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और भी पेंट्स वगैरह की भी शॉप है इधर। तो ये कुछ लाइटें वगैरह लगी हुई हैं रबी अव्वल है आगे 9 तारीख को इंशाल्लाह। तो ये आमिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, देखें कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं। ये आमिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग है, बहुत प्यारी इन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है यार, मेरे तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैंने देखी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे, तो मैंने आपको पार्क वगैरह दिखाया। वैसे ये है कि अभी मेरे ख्याल से इस पार्क में काफ़ी भी काम होने वाला है, या हम गवर्नमेंट शायद करवाए, क्योंकि पहले तो ये बहुत पुराना, क्योंकि सबसे पहले ही था पार्क यही सबसे पुराना है, पहले यही पार्क होता था, तो और इधर झूले वगैरह काफ़ी वाम एनी टाइम इधर होती थी। पर अब जो है कि शाम टाइम सिर्फ फैमिली या लेडीज़ को अलाउ है, ठीक है, और दिन टाइम में आप लड़के वगैरह जा सकते हैं, ठीक है, ये सीन है। पहले तो इकट्ठा ही देना, हाँ सैटरडे और संडे को वीकेंड्स पे फैमिली अलाउ थी सिर्फ, और इसमें काफ़ी झूले स्टॉल्स वगैरह लगते थे पहले, अब जो है वो आपके सामने ही आपको दिखाया है खूबसूरत माशाल्लाह, नो डाउट इसमें बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी भी है, पर ये है थोड़े झूले वगैरह इसमें और आ जाएँ तो और माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बस यही है कि आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको अगर पसंद आया जो भी आपका, अगर जो भी राय है आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह कल आपको एक और विजिट करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।